ये मदरसा अजीजिया है दोस्तों, जो बिहार शरीफ में मौजूद है, और आप देख सकते हैं इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कैसे इनको जलाया गया है और किस तरह से इनकी मानसिकता है, जो राम के नाम पर रैलियां निकालते हैं, राम के आड़ में ये लोग क्या काम करते हैं। खबर तो ये भी आई है कि एक मुसलमान का इन्होंने दुकान भी लूट लिया है, तो क्या इस देश में इन लोगों के ऊपर बैन लगना वाजिब नहीं है, जो दंगाएं फैलाते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं? क्यों नहीं इसके बैन का हम मांग करते हैं, क्यों नहीं इसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं? जो समाज में घृणा फैलाए, आपस में भाईचारा ख़त्म करे, दूसरे धर्मों को दबा के रखने की कोशिश करे, वो उसका क्यों नहीं विरोध होना चाहिए पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर? तो आप देख सकते हैं इनकी मानसिकता इसमें झलकती है कि इनकी सोच क्या है। ये लोग कोई राम के वंशज नहीं हैं, ये कोई राम को मानने वाले नहीं हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो राम को कलंकित कर रहे हैं, जो ये समझा रहे हैं कि राम ऐसा सोचते थे दूसरे धर्मों के बारे में। तो इन लोगों के ऊपर कानून के अलावा भी समाज को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस देश में और इस राज्य में सद्भाव फैल सके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में इसका नुकसान आपको ही भुगतना है, क्योंकि जो लगाओगे आप वही काटोगे आप। जिस तरह श्रीलंका में इस तरह का शुरुआत हुआ था, तो श्रीलंका कहाँ आके गिरा ये पूरा दुनिया जान रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, वो कहाँ आके खड़ा है वो भी दुनिया जान रहा है। उसी तरह जो आप कर रहे हो ये क्या होगा ये दुनिया भी जान रहा है। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके एवज में क्या हुआ, ये देख सकते हैं नालंदा का, ये बिहार शरीफ नालंदा का ये मदरसा अजीजिया है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से जुल्म ये लोग कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये डर रहे हैं मुसलमान। तो भाइयों, मुसलमान डरने का नाम नहीं है, आपको ये बात समझना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने डराना छोड़ दिया है किसी को, वरना मुसलमान के नाम पे मुंह देते हैं कितने लोग। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, जिस तरह से आपके नाम पे बिहार में और भी अदर जगह, मेन है मेरा बिहार जिसके हम रहने वाले हैं, यहाँ पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जो कभी नहीं होती थी, और इसमें हमारे सारे देश और राज्य के जो हिंदू भाई हैं वो चुप हैं। तो चुप और खामोशी एक जवाब देती है कि आप इसको सही मानते हो, ये चीज़ सही है, मुसलमानों के साथ जो आज घटनाएं हो रही है तो सही हो रही है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, एक सवाल भी है कि जब भी आप आने वाले समय में 10 साल 15 साल 20 साल, जब ये आपका मोटिव, जिस तरह पाकिस्तान का मोटिव और दुनिया जान गई कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी सप्लाई करता है, वो वहाँ पर कोई चीज़ को सप्लाई नहीं करता है, आपका इस देश में नाम हुआ और दुनिया में नाम हुआ कि ये आईटी सेक्टर में नंबर वन देश है, ये सस्ते में सस्ता मेरा सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, जिसके वजह से इस देश में कारोबार फैली, लोगों को रोज़गार मिला, लोगों को आईटी हब मिला। लेकिन आने वाले समय में जब हमारा देश का चेहरा ये रहेगा कि यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठन रहते हैं, यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाई करने वाले लोग रहते हैं, इस जब ये आपका प्रोस्पेक्शन पूरे दुनिया में जब बन जाएगा, जिस तरह बिहार को बदनाम किया गया एक समय में कि ये जंगल राज है, जिसका खामियाजा आज तक बिहार के लोग भुगत रहे हैं और चुप हैं अभी भी कि ये सब घटनाओं पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप चुप हैं तो इसका माना कि आप समर्थन देते हैं, और ऐसे सभी लोग समर्थन है जो चुप हैं, चूंकि आप सही दे रहे हैं इन लोगों को, आप इनका बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, आप इसको बिठा के समझा नहीं रहे हैं, इसको गाँव में इसको समझा नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं कि तुम ऐसे कामों को करोगे तो हम तुम्हारे हर तरह से तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं? आप बिहार शरीफ का घटना देख रहे हैं जो वीडियो लोगों के सामने में तैर रही है, क्या ये दुनिया नहीं देख सकता है? क्या अपनी भाषाओं में नहीं समझ सकता है? ये दुनिया में जो हमारे देश के लोग अच्छे स्वभाव के लिए माने जाते हैं, जो लोग काम करते हैं विदेशों में, कल के दिन जब उनके ऊपर प्रताड़ना होगी तो कौन बचाएगा उनको? कैसे हम बचाएंगे जब हम यूनिटी नहीं रहेंगे, हम एक नहीं रहेंगे, तो हमारे देश वालों के लिए कैसे हम काम कर सकेंगे? आज हमारे लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं है, कल के दिन वहाँ से भी रोजगार उनका ख़त्म होगा, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? आप होंगे, इस देश के सारे लोग होंगे, क्योंकि जनता संविधान के हिसाब से
इस देश में जनता राजा है, ये नहीं कि हम एक बार वोट दे दिया तो हम राजा हैं, वोट देने के बाद भी हम राजा हैं कि उनको जिनको हमने वोट दिया उनके ऊपर सवाल कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं कि आपने हमारा काम क्यों नहीं किया, आप ऐसी चीज़ों पे हमें क्यों धकेल रहे हैं, इसमें कौन धकेला रहा है, गरीब तब ये सब जो कर रहा है, ये जितनी घटनाएं देश में हो रही है, राज्य में हो रही है, ये सब हमारे ही लोग हैं, ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये OBC हैं, ये ST हैं, ये दलित हैं, ये पिछड़ा हैं, ये लोग इन चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, का भी देखना देखा आपने बड़े बड़े नेताओं का बेटा वो इस काम में इन्वॉल्व है, वो अपने बच्चे को विदेश में भेज देता है पढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके व्यक्तित्व निखरे, और आपके बच्चों को लड़ाई में भेज देता है, जाओ मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाओ, जाओ उसके मस्जिदों में हमला करो, जाओ उसके इबादत में खलल डालो, जाओ उनको ऐसा करो वैसा करो, क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपको ओरिजिनल चीज़ों से भटकाया जाए, आपके बच्चों का रोजगार छीना जाए, आपका हक मारा जाए, और आप चुप हो बैठ करके, आप सुन रहे हैं इसको, आप इसको सह दे रहे हैं, तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दुनिया में आपको जलील होना पड़ेगा, जब आप दुनिया में कहीं भी जाओगे कमाने के लिए, एक राज्य से दूसरा राज्य जाओगे तो आपको जलील किया जाएगा कि आपका इस देश का ऐसा ही हालत है, आपका राज्य का ऐसा ही हालत है। प्रशासन को मैं इस बात पे चावसी दूंगा कि वो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम उनके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई करेंगे। जब हम मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं तो हमसे एक एप्लीकेशन लिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने लोग इसके जिम्मेदार हैं, हथियार का लाइसेंस दिया जाता है कि कौन कौन से चीज आप रखते हैं रखेंगे इसके ऊपर। तो जब हमें इस चीज का पूछा जाता है, वही चीज हमें चेक किया जाता है कि जो चीज बोला है वो चीज लायक नहीं लाया, 10 लाठी बोला था, 2 तरवाल बोला था, 2 भाला बोला था, इससे ज्यादा तो नहीं लाया है, लेकिन वहां पर बगैर लाइसेंस का बगैर चीज का हथियार लेके लोग लहरा रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तरवाल लहरा रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन देखता है इसको, क्या प्रशासन उसको रोक नहीं सकता था कि ये जो हथियार लेके घूम रहा है बगैर बोले हुए बगैर लाइसेंस लिए हुए क्या करेगा, क्या प्रशासन को हमें अब सिखाना पड़ेगा, इसमें प्रशासन का भी गलती है। और इस राज्य के लोगों को मेरा एक ही सवाल है कि आप जब तक नहीं जागोगे तो आने वाले समय में आप जिस तरह से दुनिया में खट रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, और आपके आने वाले नस्ल भी करेंगे, क्योंकि आप इसको सह दे रहे हो, आप इसको बढ़ावा दे रहे हो। तो हमारा छोटा सा निवेदन है कि आप इनके ऊपर एक भी वीडियो बना करके शेयर करें और इनको समझाएं और बिठा के बोले गांव का है अगर तो कि इन सब चीज़ों से परहेज करो। राम का नाम किसी को मारने के लिए यूज नहीं होगा, राम का नाम व्यक्तित्व के लिए यूज होगा कि जो अपने राज्य के लिए इस देश को अपने जगह को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया, लेकिन व्यक्तित्व को जिंदा रखा, भरोसे को जिंदा रखा। कभी भी उन्होंने अपने ऊपर सवाल आया तो उन्होंने पहले उठ के अपने परीक्षा ही दी, वो राजा होते हुए राजा की कुर्सी छोड़ करके बनवा